कार्यक्रम में कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्राओं के द्वारा पृथ्वी और हम सब नाटिका प्रस्तुत की। नाटिका के माध्यम से छात्राओं ने संदेश दिया कि किस प्रकार हम प्रतिदिन पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अर्थ डे के अवसर पर कक्षा 7वीं और 8वीं के कक्षा के लिए चार्ट मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए MD रवि भूषण गर्ग एवं प्राचार्य राज रानी गर्ग ने कहा कि आज हम सब अर्थ डे मना रहे हैं, परंतु हमारी पृथ्वी के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। श्याम, मेरे घर पर लकड़ियां खत्म हो चुकी है। हाँ राम, तुमने सही कहा, मेरे घर पर भी लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं। तो चलो आज हम जंगल में लकड़ियां काटने चलते हैं। हाँ राम, क्यों ना हम जाते जाते सोनू को भी ले चले। चलो चलते हैं उसके घर। चलो सोनू। ओ सोनू। राम और श्याम, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सोनू, हमने सोचा हम लकड़ियां काटने जा रहे हैं, तो हम क्यों ना तुम्हें भी साथ ले चले। हाँ हाँ चलते हैं। देखो कितने हरे भरे पेड़ हैं। हाँ, इनसे तो हमें बहुत सारी लकड़ियां मिल जाएंगी। चलो सोनू और श्याम, हम लकड़ियां काटते हैं। तुम कौन? मैं प्रदूषण हूँ। प्रदूषण? वो कौन? जो तुम ये पेड़ काट रहे हो, पानी को व्यर्थ बहा रहे हो, पोलोथीन का इस्तेमाल कर रहे हो, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कर पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहे हो, मैं उसके कारण पैदा होता हूँ। तो अब इसकी रोकथाम के क्या उपाय हैं? पेड़ों को काटो मत, पेड़ों को लगाओ, पोलोथीन का इस्तेमाल मत करो, पानी को व्यर्थ मत बहाने, एयर कंडीशनर का प्रयोग मत करो। हम SS बाल सदन के छात्र आज पृथ्वी दिवस पर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम वृक्षों को नहीं काटेंगे, हमारी पृथ्वी की रक्षा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, अर्थ डे के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। SS भारत सदन परिवार ये कामना करता है कि आपका जीवन उतना ही लंबा हो जितनी इस भूमि की आयु। आज अर्थ डे है, वास्तव में पृथ्वी का दिन है। हमारे लिए हर दिन पृथ्वी का है, हर दिन माँ का है। पृथ्वी को हम माँ मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ही उसके सीने को चीरकर हमें अनाज मिलता है, उससे हम अपने पेट का पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार जो माँ हमें जन्म देती है, जो माँ हमें दूध देती है, उसी उससे भी बढ़कर अगर किसी का अधिकार है तो वो हमारी पृथ्वी माँ का है, हमारी भूमि माँ का। मैं आज के इस अवसर पर ये कहना चाहूंगा कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे पृथ्वी से प्रदूषण समाप्त हो। हमें पौधे लगाने चाहिए। जितना मैं अपने जीवन में पौधे लगाऊंगा उतना ही मेरी भूमि, मेरी धरती माँ बची रहेगी, ये मेरी आशा है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात पे अमल करेंगे और पौधे भी लगाएंगे, पृथ्वी को भी प्रदूषण से बचाएंगे और अपना जीवन भी सुरक्षित करेंगे। धन्यवाद।